eBIZers, eBIZ दिल है दिमाग नहीं, eBIZ दिल है दिमाग नहीं, eBIZ सोच है आवाज नहीं, eBIZ दिल है दिमाग नहीं, eBIZ एक सोच है आवाज नहीं, आंखों से नहीं देखा जा सकता eBIZ का ये कारवा, क्योंकि eBIZ एक एहसास है टाइम पास नहीं। ने मुझे मुंबई के लोकल ट्रेन में इनवाइट किया था, एक स्ट्रेंजर ने लोकल ट्रेन में इनवाइट किया था, एक्चुअली मैं खुद सामने से इनवाइट हो गया था। द रीजन बिहाइंड दैट, मेरी फैमिली कंडीशन 5 साल की पहले की बताऊं बहुत बुरा लगेगा, बट मुझे बताना है आज, मेरे घर में अगर दोपहर का खाना बन जाता तो शाम का बनता कि नहीं बनता यह हमें नहीं पता था। It doesn't mean कि हमारी फैमिली पुअर क्लास से बिलोंग करती थी। मेरे डैड का बहुत अच्छा खासा बिजनेस था, बट वो कोलैप्स हुआ, उनके पार्टनर ने धोखा दिया, एंड उस टेंशन में मेरे डैड का एक्सीडेंट इवन हुआ, वो हॉस्पिटलाइज हुए, हर दिन का 3000 रुपया आईसी का बिल आता था। एट दैट टाइम आई एम इन माई फाइनल ईयर, आई वॉज इन माई फाइनल ईयर, पढ़ाई भी करनी थी, आई एम थ्रू आउट टॉपर ऑल्सो, फाइनल ईयर में परसेंटेज अच्छे लाने ऑब्वियसली जरूरी है, नहीं तो आगे का कुछ भी नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में मेरे घर में मेरी बड़ी बहन है, मेरा छोटा भाई है, मॉम डैड, ऐसी सिचुएशन में मजबूर था फाइनल ईयर में, और मेरी कॉलेज जो थी वो 2 घंटा दूर थी मेरे घर से, लोकल ट्रेन में काफी टाइम वेस्ट हो जाता है मुंबई में, आई बेसिकली बिलोंग्स टू मुंबई, एंड ऐसी सिचुएशन में मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी थी, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तलाश करना था, बट टाइम नहीं होने की वजह से मैं ऐसा कुछ भी मुझे नहीं मिल पा रहा था कि मैं कुछ कर पाऊँ ऐसा। बट उस व्यक्ति ने मुझे ये सब बताया, संडे की मीटिंग अटेंड करने गया मुंबई में, और मैंने और किसी की नहीं, नन अदर देन माय मेंटर, माय गुरु मिस्टर रघु टिकरीवाल सर की मीटिंग अटेंड करी थी। उसी दिन सोच लिया यही वो चीज है जो करनी चाहिए, और लाइफ में यही वो है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। मेरे पास ज्वाइन करने के लिए पैसा नहीं था, मेरा पूरा परिवार मना कर रहा था, गले की चेन बेच के मैंने ज्वाइन किया था, वो भी आधी टूटी हुई थी, सिर्फ 4500 रुपए आए, और दो दोस्तों से उधार लेके मैंने एडमिशन लिया, ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया, सिर्फ 6 महीना हुआ काम करते करते, क्योंकि एक तड़प थी काम करने की, करके दिखाना था कुछ लाइफ में, टाइम पास नहीं करना था लाइफ में, बहुत जल्दी आगे बढ़ना था। 6 महीने के अंदर मैंने अपनी बड़ी बहन का सबसे पहला बर्थडे सेलिब्रेट किया, और वो बर्थडे के दिन सिर्फ 19.5 साल की उम्र में उनको छोटा सा गिफ्ट किया, बताना चाहूंगा किया है तो बिल्कुल बताऊंगा मैं, दैट इज एक सरप्राइज गिफ्ट था, 50,000 रुपए की होंडा एक्टिवा गाड़ी गिफ्ट करी थी मैंने, एंड वो तो सिर्फ शुरुआत थी। उसके बाद काम अच्छा हुआ, 400 का ग्रुप बना, गोल्ड एसोसिएट बना, और एग्जाम्स के वजह से चक्कर में मेरा 400 का ग्रुप खत्म हो गया, मुझे पता नहीं था कि उसको हैंडल कैसे करना है, आई डोंट नो, एंड बट मेरा विजन बहुत क्लियर था, मुझे पूरा विश्वास था eBIZ के ऊपर कि एक बार अगर सोच लिया है तो दोबारा क्यों सोचना है, अगर आपने एक बार डिसाइड किया है उसके बाद भी अगर आप सोच रहे हैं तो आपने डिसाइड क्या किया है। एक छोटी सी बात और, मतलब अगर आपने जिंदगी में एक बार फैसला ले लिया है उसके बाद भी अगर आप सोच रहे हैं तो याद रखना, पलट पलट कर पीछे देखने वाले इतिहास नहीं रचाते, एंड यही चीज जो दिमाग में थी वो इसलिए मैंने 400 खत्म हो गया, मैं लिंक ढूंढ रहा था कि कहां से मुझे कोई लिंक मिल जाए, वहां से जब वहां पे जाके मैं अपना काम नया स्टार्ट कर सकूं। एग्जाम्स खत्म हो चुकी थी, वैकेशंस थे, मम डैड का प्रेशर था क्योंकि घर में कोई इनकम नहीं थी, पापा को मना किया था डॉक्टर ने कुछ काम करने के लिए, कुछ भी नहीं था, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हिसाब से मेरे ऊपर मेरी बड़ी बहन पे आ गई। मेरी बड़ी बहन के बारे में जरूर बताऊंगा, मैं थोड़ा सा आखिर में बताऊंगा, एंड मुझे मुझे लगा कि अब eBIZ है, दूसरा तो कुछ था नहीं मेरे पास। सब लोग क्या करते हैं जब ग्रुप खत्म हो जाता तो कोई लोग लिंक ढूंढने जाते थे, कहां से लिंक मिल जाए और मैं वहां पे काम स्टार्ट करूं, बट मुझे eBIZ में इतना विश्वास था कि यार नहीं, मैं कहां भी जाऊंगा मैं काम कर सकता हूं करके, और मुझे करना था कुछ बड़ा वाला, किसी यहां वहां काम नहीं करना, मैंने सीधा भारत का नक्शा निकाला कि मेरे को कहां काम करना चाहिए। मुझे पता चला एक गुजरात में बड़ौदा सिटी के नजदीक एक शहर है जहां पे 80 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है जिसको नाम ही विद्यानगर दिया हुआ है,
मैं वहां पे गया, मुझे लगा यहां पे काम हो सकता है। मैंने और मेरे दोस्त ने जिनको सबसे पहले मैंने ज्वाइन किया करवाया था, ही इज अ डायमंड एसोसिएट, नन अदर देन मिस्टर विक्की सोमैया जी, हम दोनों ने मिलके इतना बड़ा रिस्क उठाया। पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, रिजल्ट आने वाले हैं, डिग्री हाथ में आने वाली है, और हम दोनों ने मिलके क्या सोचा, क्या डिसाइड किया, हमने 50,000 रुपए उधार लिए और एक अननोन सिटी में जाके एक फ्लैट बुक करवाया काम करने के लिए। कोई पहचान वगैरह कोई नहीं थी, कोई डाउनलाइन वगैरह कोई नहीं थी, फ्लैट बुक करवाया। जब ये बात अभिषेक दुआ सर को पता चली, रघु सर को पता चली, अभिषेक दुआ सर ने बताया कि बेटा, मैकडोनल्ड्स में बैठे थे मुंबई में, उन्होंने बताया कि बेटा एक बात मुझे बताओ, 1 लाख स्ट्रेंजर से उठाई जा सकती है काम करके, 2 लाख कैसे उठाओगे। उनका सवाल थोड़ा सा सही भी लगा मुझे कि यार ये तो थोड़ा सा टफ तो है ही, डाउट नहीं है इसमें, 2 लाख कैसे उठाओगे, क्या बेवकूफ वाला डिसीजन ले लिया आपने। बट बाद में सर ने बोला चलो आपने फ्लैट बुक कर ही लिया है तो आप काम करके दिखाइए। हम गए काम करने बड़ौदा शहर में, 1 महीना रोज प्रेजेंटेशन रोज प्रेजेंटेशन, नीचे जाते थे इनवाइट करके आते थे, बैग लेके जाते थे कॉलेजेस में, मतलब कॉलेज लगने चाहिए क्योंकि वहां पे कोई पहचान तो था नहीं, फ्रेंड बनाते थे, इनवाइट करते थे, मीटिंग दिखाते थे, उनके गेस्ट की मीटिंग मैं दिखाता था, मेरे गेस्ट की मीटिंग वो दिखाते थे। 1 महीना काम करा, एक ने भी ज्वाइन नहीं किया, जबकि हम लोग ऑलरेडी 100 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा चुके थे, 100 पीपल, एंड आई एम श्योर 100 से लेस नहीं उसे मोरी होगा 100%। बट हार नहीं मानी, कभी हार नहीं मानी, क्योंकि ठान लिया था करना है, बस चाहे जैसे करना है, कुछ भी हो जाए। 109वें गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया, 109वें गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया, स्ट्रेंजर गेस्ट ने ज्वाइन किया। उसके बाद एक लिंक मिली थी, वो मिल गई, काम उठाना आता था, बस एक लिंक की जरूरत थी, काम करना स्टार्ट किया। रघु सर से फोन पे बात होती रहती थी, सर ऐसा बताते थे ऐसा करे ऐसा करे ऐसा करे, ऐसा करते जाते थे। 15 की टीम बनाई, रघु सर का सबसे पहला वेन्यू वहां पे स्टार्ट किया। ज्यादा गेस्ट नहीं थे, सिर्फ 40 गेस्ट बैठे थे, सर को शर्म आ रही थी मुझे 40 गेस्ट में रघु सर को बुलाने के लिए, बट क्या करे, दूसरा ऑप्शन नहीं था मेरे पास, और कोई अप्लाई नहीं थी, मेरे पास सिर्फ रघु सर थी। बुलाया, काम वहां से स्टार्ट हुआ, उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। पर आज बताते बहुत खुशी होती है, एक अच्छी बात भी बताता हूँ। मैंने जिस एरिया में काम स्टार्ट किया वहां पे सारी कॉलेजेस एंड हॉस्टल थी, वहां पे बुढ़े लोग दिखाई नहीं देते ज्यादा, वहां पे सिर्फ स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं। एंड दूसरी बात ये कि वो हॉस्टल में रहते हैं, जब उनका वैकेशन आता था वो लोग घर चले जाते, तो हमारा काम ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका था पूरे गुजरात में। और ये एक प्लस पॉइंट भी था, बट माइनस पॉइंट ये था कि हम लोग कवर नहीं कर पा रहे थे सारा इतना बड़ा स्प्रेड काम। बट फिर भी हमने मेहनत करी, पता नहीं कैसे, बस में, धूप में, ये अभी भी मुझे याद है, विक्की जी मैं और मेरी सिस्टर, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा अभी, नन अदर देन, जो भी कुछ उन्हीं की वजह से हो, शी इज नन अदर देन माय सिस्टर मिस दिव्या जैन जी। अभी भी मुझे याद है कि मैंने घर पे कुछ नहीं बताया था, ना तो विक्की जी ने बताया, मैंने बताया था, पूरे के पूरे कम से कम 200 दिन तक हमने एक ही टाइम खाया था, वन टाइम, इट्स अ ट्रू थिंग। एंड सुबह जाते थे पार्ले जी का पूड़ा लेते थे, एक चाय लेते थे, एक पूड़ा लेते थे, दो चाय लेते थे, वो चलाते थे। और शाम को एक बैस होती थी, शाम को 6 बजे वो खुलती थी, वहां पे अनलिमिटेड 25 रुपए का मिलता था, वो खाते थे और पूरे दिन चलाते थे। एक एक दिन में 7-7 प्रेजेंटेशन करते थे, चलने की तो किलोमीटर की तो कोई हिसाब ही नहीं है, इट्स लाइक स्ट्रगलिंग फेज बता रहा हूं थोड़ा। एंड मतलब ये सब हुआ, उसके बाद काम आगे बढ़ा, और आज बता दे बहुत खुशी होती है, बहुत मेहनत तो करी है ऑब्वियसली, आज बता दे बहुत खुशी होती है कि आज अगर मैंने नेटवर्क की बात करूं तो मेरा नेटवर्क सिर्फ गुजरात शहर, गुजरात स्टेट में नहीं है, बट हाँ पूरे के पूरे इंडिया के 9 स्टेट में आज मेरा नेटवर्क है, 9 स्टेट। एंड जब काम होना स्टार्ट हुआ, जब दुआ सर ने मुझे कहा था कि आप दोनों लाख चंजर पे कैसे उठाओगे, बता दे बहुत अच्छा लगता है कि सिर्फ 3 महीने के अंदर उसी शहर में सबसे पहली दुआ सर की सेमिनार खड़ी कर चुके थे, सिर्फ 3 महीने में जाके सबसे पहली दुआ सर की सेमिनार खड़ी कर चुके थे। उसके बाद कभी पीछे मुड़के नहीं देखा। अगर थोड़ी सी अभी की बात करूं, बहुत अच्छा लगता है बताते हुए कि आज मैं मेरे पूरे खानदान में एक ऐसा अकेला छोटा भाई हूं जिसने अपनी बड़ी बहन की शादी खुद के पैसों से करवाई है। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब 5 साल पहले मैं काम करने जाता था, मेरे पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे,
मैं पीसीओ से कॉल करता था गेस्ट को इनवाइट करने के लिए, और मेरी मम्मी को कहता था जाते समय दोपहर को 12-1 बजे कि मम्मी मुझे आप पॉइंट दीजिए कहाँ से मुझे कॉल करने हैं। मम्मी पूरा घर ढूंढ के लाती थी, 5 रुपए कहाँ पसा नहीं, चिल्लर ढूंढ के लाती थी, हाथ में थमाती थी, इतना दर्द होता था यहाँ पे, कांट एक्सप्लेन इट, बहुत दर्द होता था। बट हाँ वो दिन याद था मेरे को, मेरी सिस्टर की मैरिज अभी हुई है 21-22 नवंबर 2011, आज से 9-10 महीने पहले, और 31 दिसंबर को मैंने सोचा सिर्फ शादी के 1.5 महीने बाद ये हुआ था। मतलब हर महीने अभी तो कर रहा हूँ बट बताना चाहूंगा, मैं बड़ौदा शहर में था, मैंने स्पेशल ऑर्डर करवा के गिफ्ट किया मेरी मॉम को वो दिन याद करके, और दैट इज नथिंग, मतलब मैंने 5 सोने के सिक्के मेरी मम्मी को गिफ्ट करे थे। मेरी मम्मी मुझे कहती है, मैं जब मिला, बेटा ये क्या है 5 सोने के लिए ऐसा क्यों गिफ्ट, मतलब क्या है ये, मतलब ये समझा ही मैं, मम्मी आपको याद है कि आप जब 5 साल पहले मैं काम करता था आप मुझे 5 कॉइन यहाँ वहां से ला के देते थे, हाँ याद है, मम्मी कुछ नहीं है ये उसका रिटर्न गिफ्ट है। एंड मुझे ऐसे कई घर पता है, सब लोग जानते हैं कि किसी घर में अगर शादी होती है मिडिल क्लास फैमिली में तो उसके घर 1 साल तक शायद कोई नई चीज नहीं आ पाती, ये सुनो, बिकॉज कर्जा इतना हो जाता है किसी लड़की की शादी करने में। बट मुझे अभी भी याद है, अभी मेरा बर्थडे गया 20 जुलाई, मतलब 4-5 महीने पहले, वहां पे मैंने, हाँ एक बात और बतानी है, मुझे काफी सारी बातें हैं क्यों इतना ऐसा कह रहा हूँ मैं, क्योंकि पिछले 2 साल से ललित सर मैं कन्वेंशन का वेट कर रहा हूँ, पिछले 2 साल से, और पिछले 2 साल में कन्वेंशन कभी भी होती ना, मैं स्टेज पे था ही बट वो रहा नहीं गया, इसने क्या किया फिर मैंने खुद ही मेरे ग्रुप में ही 3 कन्वोकेशन करवा लिए 2 साल में। So it's like, हुआ, और आज अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा ये था कि 20 जुलाई को मैंने बड़ौदा शहर में कन्वोकेशन करवाया हमारी टीम ने मिलके, और उस दिन मेरा बर्थडे था, और उस दिन मेरा एक सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ ईबीज़ का, मुझे नहीं लगता था कि इतना जल्दी हो पाएगा, बट हाँ बता दे बहुत खुशी होती है क्या, गिफ्टेड माई सेल्फ 8 लाख रुपीज व्हाइट कलर डिजायर का, न्यू वर्जन डिजायर का ऑन माई बर्थडे। एंड दोस्तों जब मेरी मतलब सिस्टर की शादी का टाइम था, मतलब काफी रिक्वायरमेंट थी, 3 महीने पहले मैं रघु सर से डिस्कस कर रहा हूँ सर शादी कैसे होगी, 4-5 रुपए कम पड़ रहे हैं, कोई भी मतलब रिलेशन वाला मतलब कोई सपोर्ट इतना कुछ था नहीं, सर बोले कोई टेंशन नहीं है बेटा मैं आपके साथ हूँ और हम eBIZers हैं, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। लिटरली स्पीकिंग मुझे खुद को नहीं पता रघु सर की वो वाणी, बस पता नहीं कैसे हो गया, बट लाइक बहुत जबरदस्त तरीके से बहुत अच्छा लगा। एंड आज मतलब इट्स लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ स्टाइल, बहुत अच्छा लगता है, और मेरी भी 3-3 सीट है जैसे सुमांशु जी ने बताया, कहाँ गए वहाँ बताया, मेरी भी सेम है सब कुछ राइट। एंड मैं डिप्लोमेट हूँ, मेरी डायमंड की सीट है उस 75,000 उस हिसाब से मैं। एंड एट द लास्ट मुझे काफ़ी सारा बोलना था, एक बात बता देता हूँ आपको लास्ट में जाते जाते, eBIZ कोई पेप्सी नहीं जो दिल मांगे मोर, eBIZ कोई निर्मा पाउडर नहीं जो पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो, अरे eBIZ LIC की तरह है जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। एट द लास्ट मैं बिल्कुल धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे सारे अपलाइन का, सारे मैं नाम बिल्कुल लेना चाहूंगा मेरे सारे, मैं सबसे पहले मेरी बड़ी बहन मिस दिव्या जैन जी, एंड इस एक व्यक्ति जिनका हाथ अगर मेरे सर पे नहीं होता था यहाँ पे खड़े रहने की औकात तो थी नहीं मेरी पहली बार, एंड ही इज नॉट अदर देन द किंग ऑफ महाराष्ट्र मिस्टर राघव कुमार टेकरीवाल जी, एंड द स्टाइल आइकन मिस्टर अभिषेक दुआ सर। सरबजीत सर से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरबजीत सर कहा है, सरबजीत सर को मैंने एक बार फोन लगाया था, सर ने कहा, मैंने सर को क्वेश्चन किया सर लीडर्स ज्यादा कैसे बनाया जा सकते हैं ग्रुप में, सर ने कहा बेटा आप क्या आपको क्या लगता है मेरी डाउनलाइन कितनी, मैंने बोला सर आपकी 7.5 लाख की डाउनलाइन है, आपको क्या लगता है आप मेरे ग्रुप में कितने लीडर्स होंगे, सर मुझे नहीं पता आप बता, सर ने बोला कि मेरे ग्रुप में कुछ 200-250 लीडर्स होंगे, मतलब वो SDA की बात कर रहे थे, SDA, तो सर ने एक ही चीज छोटी सी समझाई कि बेटा काम करते रहो 1000 में एक लीडर आपको मिलेगा जो आपके जैसा होगा 1000। मैंने उसके बाद सोचना ही छोड़ दिया, अब बोल दिया ना 1000 में मेरे जैसा एक लीडर मिलेगा तो काम करो ना चुपचाप, यस और नो,
या सुनो, और एक बात मैंने स्ट्रगल बताई मेरी, बट इट्स वो उस वजह से शायद मुझे जो भी थोड़ी बहुत कामयाबी मिली उस वजह से नहीं मिली है। याद रखना एक छोटी सी चीज, स्ट्रगलर्स नेवर विन, स्ट्रगलर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर स्ट्रगल, बिकॉज विनर्स ऑलवेज फाइट। संघर्ष करने वाले कभी नहीं जीतते और जीतने वाले कभी संघर्ष नहीं करते, क्योंकि जीतने वाले हमेशा लड़ाई करते हैं। एंड थैंक यू सो मच ऑल द लीडर्स, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच ऑल माय लवली डाउनलाइन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। हमें बहुत कुछ बड़ा करके बताना, अभी अभी कुछ भी नहीं किया है, बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऐसी तालियां होनी चाहिए, जबरदस्त तालियां मिस्टर गौतम जैन जी। आपके लिए कहना चाहूंगा, वो जीवन क्या जिया जो जिया जिंदगी से हार के, इन्होंने प्रूव कर दिखाया है कि पतझड़ के बाद ही आते हैं दिन बहार के, पतझड़ के बाद। जो पेड़ सूख जाता है, लोग सोचते हैं इसे पत्ते नहीं उगेंगे, लेकिन मेरे दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, ऊपर की टहनी और पत्तों को टूट जाने से पेड़ खराब नहीं होता, जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं उस पे फिर से टहनियां निकलती हैं, उस पे फिर से पत्ते उगते हैं, वो फिर से फल देता है। और मैंने कहा था कि दर्द को इतना बढ़ा दो कि दवा बन जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने एक समय खाना खाया था तो आज वाकई में दर्द को इतना बढ़ा दिया है कि मैंने इनको जब हाईएस्ट रनर्स के ऊपर देखा, वाकई में लिस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा मुझे खुशी हुई। केशव सर को मैं यही कह रहा था, सर ये बच्चा एक बार भोपाल की मीटिंग में आया था, आज वो हाईएस्ट रनर्स पर 70,000 के कुछ ऊपर पे आए थे, तो इन्होंने वाकई में दर्द को इतना बढ़ाया कि ये इनकी दवा बन गया। और वैसे भी कहते हैं जब दर्द नहीं था सीने में तो क्या खास मजा था जीने में, यस सर नो, तो जबरदस्त तालियों को मिस्टर गौतम जैन जी। एंड एक चीज आप भूल रहे हैं, ही बिलोंग्स टू मिस्टर रघु टेकरीवाल ऑर्गेनाइजेशन। कैसी तालियां होनी चाहिए सर, प्लीज प्लीज सर, एक मिनट से प्लस सर, इट्स माय ड्रीम एक्चुअली सर, प्लीज। और तालियां वही बजाएंगे जो विजेता है, बाकी लोग नहीं बजाएंगे। और रघु सर आ रहे हैं तो फिर इतनी कम तालियां तो बजा नहीं आएगा। कम ऑन मिस्टर रघु कुमार टेकरीवाल जी, और एक गाना भी कोई सा आप बिल्कुल लगाइए, अगर रघु जी आ रहे हैं तो कोई एक अच्छा माय ड्रीम फ्लाई ऐसा कुछ। आपके शोर में कुछ कमी है, इसलिए गाना रुक गया, शोर थोड़ा तेज कर दो, गाना अपना बन डांस करना नहीं आता, तब तक मुझे सनी जी की याद आती है, और सनी जी कहते थे जिनको डांस करना नहीं आता वो हाथ ऊपर करके सिर्फ इतना हिला लें, भगवान समझ जाता है कि इसकी भावना है, उसको 2.5 लाख जरूर दूंगा।